वो लोग कहाँ रहते हैं ये तुम लोग जानते हो ना? हाँ, जानते हैं सर। बाकी लोगों को परेशान मत करना। यस सर। सिर्फ उनको ही यहाँ लेकर आओ। ठीक है सर। ठीक है सर। चलो चलो जल्दी चलो। क्या सर इतनी रात को परेशान किया आपने? सुबह नहीं बुला सकते थे क्या? हफ्ते में एक बार अगर पुलिस वालों को ना देखो तो तुम लोगों को नींद नहीं आती। हाँ, आज सुबह शराब की दुकान पर आग किसने लगाई? बोलो। खुद बोल दोगे तो सजा कम करवा दूंगा तुम्हारी। सर हमें तो ये भी नहीं पता कि शराब की दुकान कहाँ है। क्यों भाई बोल लिया आपने? सीधी तरह से तुम लोग कुछ बोलने वाले नहीं हो। इन सबको वैन में डालो। सर जो सवाल सभी से पूछा था वो मैं आपसे नहीं पूछूंगा। शराब की दुकान किसने जलाई थी ये बात हम सब जानते हैं। जलाने के लिए कहा आपने और उसे जलाया आपके भाई दीना ने। उस दुकान का मालिक सेंट्रल मिनिस्टर का साला लगता है। ऊपर से प्रेशर ज्यादा है सर, इसीलिए आप लोगों को अरेस्ट करना पड़ रहा है। मुझ पर नाराज मत होइएगा। उन्हें अभी तो लेकर जाओ, लेकिन याद रखना मेरे कल कोर्ट पहुंचने तक मेरे किसी भी आदमी को हाथ मत लगाना। जाओ। जरा रुक तो। इतनी रात 11 बजे तक तेरे भाई दीना को घर में ना पाकर ऐसा ही कुछ होगा पता था। क्यों करते हो ये सब? हम यूं ही ऐसा नहीं करते माँ। 7 साल तक शराब की दुकान में पार्टनर था, लेकिन उसने 20 लाख का धोखा दिया। उसी ने मुझे पैसे दिए और मैंने वहां आग लगवा दी। उन सब की भी तो सोचो, कॉलोनी के सारे आदमियों को पकड़ कर ले गए। पुलिस स्टेशन में जाना उन लोगों के लिए कोई नया नहीं है माँ। कल सुबह जाकर मैं खुद उन्हें वापस ले आऊंगा। अब ठीक है, जाओ सो जाओ। सोचकर ही डर लगता है दीना भैया के बारे में। क्या बात है, सारा शहर दीना से डरता है और तू उसकी फिक्र कर रही है। नमस्ते भाई। हमारे केस की सुनवाई कितने बजे की है? 11 बजे की। तब तो 11:30 बजे तक हम लड़कों को वापस ले जा सकते हैं। 11:30 बजे तक तो ले जा सकता हूँ ना? वो एक परेशानी है। कैसी परेशानी? लेकिन उस दुकान का मालिक सेंट्रल मिनिस्टर का साला लगता है। उसने एक झूठा गवाह तैयार किया है। अगर उसने गवाही दे दी तो केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पहले से हमारे लड़कों पे बहुत से केस हैं, सबको खोदना शुरू कर देंगे। अगर एक बार अंदर हो गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। अब क्या करें? अगर आपका भाई अप्रूव हो जाए तो उन्हें अंदर करके बाकी को बाहर ला सकते हैं। हो सकता वो मेरा भाई है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कोई गवाह कोर्ट पहुंचा तो ही परेशानी है ना। वो नहीं पहुंचेगा। वो कैसे? हमारे लड़के तो अंदर है, फिर उसे कैसे रोक सकते हैं? हमारे सारे लड़के अंदर हैं, लेकिन अकेला दीना तो बाहर है ना। हमारे खिलाफ गवाही देना ही गलत है और तू झूठी गवाही देने चला है। कोर्ट के आसपास भी तुझे देखा तो शरीर पर हाथ पैर नाक कान तो रहेंगे पर जान नहीं बचेगी, ये भूलना नहीं। वाह, पालक लो खाओ, इससे ताकत बढ़ेगी। वो अंधेरी मार्केट में महाकाली स्टोर दुकान खाली नहीं कर रहा था, उसका पता किया? हाँ, शुक्रवार तक का टाइम दिया हुआ है। और वो पार्किंग के टेंडर का क्या हुआ? सामने वालों को थोड़ा चटकाया था, अब नहीं बढ़ेगा वो। और वो 50,000 रिश्वत लेकर दस्तखत करने से मना कर रहा था, वो विलेज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, उसका क्या हुआ? वो दस्तखत कर देगा भाई, नहीं तो 2-4 लगाएंगे, रास्ते पे आ जाएगा। नहीं, उसे अभी तोड़ना जरूरी है। ये क्या हो रहा है? खाते समय भी काम की बातें कर रहे हो तुम लोग। काम लड़ाई झगड़े का करते हो, उसमें बातें तो देखो। कोई कुछ भी करे उससे तुम्हें क्या? ऐसे नहीं छोड़ा जाता माँ। दुनिया में सबसे बड़ी गलती करने वाले को बचाना है। अरे यार चल तो सही। अरे 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 क्या कर रहा है? ये मुझे यहाँ क्यों ले आया? तेरी वजह से ये केस खत्म हुआ है ना, इसलिए हमने ये पार्टी रखी है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं शराब नहीं पीऊंगा। अरे तो तू शराब मत पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पियो ना। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। भाई के लिए बढ़िया सी कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। ये क्या कोल्ड ड्रिंक बोल के बियर खोल रहा है? सभी बियर को कोल्ड ड्रिंक्स में बदल दिया गया है। अच्छा, बियर को कोल्ड ड्रिंक में बदल दिया? कब? जब से ये अंडे शाकाहारी हुए ना, उसी दिन से बियर को भी कोल्ड ड्रिंक माना जाने लगा है। लो मारो। नहीं नहीं, मैं नहीं मारने वाला। नहीं मारेगा? अरे इतने बड़े बड़े लोगों को मारता है और एक बियर नहीं मार सकता? ले मार यार। मार। ये हुई ना बात। हाँ, मार मार। घर में कोई है? कौन? सर, हम राशन कार्ड के लिए लिस्ट बना रहे हैं। घर में कितने लोग हैं? मैं, मेरा भाई, माँ और बहन है। सभी घरों में माँ भाई बहन होते हैं। हमें लिस्ट बनानी है, थोड़ा नाम के साथ बताएंगे क्या? हाँ भाई, मेरा नाम दीनदयाल है, उम्र 28 साल। मेरा भाई आदिकेशव उम्र 34 साल। मेरी माँ लीलावती उम्र 55 साल और मेरी छोटी बहन शांति उम्र 19 साल है। सर, लीलावती जी को आदिकेशव नाम का एक लड़का और शांति नाम की एक लड़की, यानी 2 ही बच्चे हैं। दीनदयाल नाम से तो कोई भी नहीं है। नहीं, इसका मतलब आप इनके सगे लड़के नहीं है क्या? सर, मेरी माँ और मेरे भैया कहकर लिस्ट बता रहे थे। नहीं, मैं यहाँ नहीं। नहीं, ये भी मेरे भैया हैं, आप इनका नाम भी लिख लीजिए। अब देखिए, आप चाहे कितनी बार भी इन्हें भैया कहें, लेकिन गवर्नमेंट के लिए सगाभाई गिनती में आता है। क्या क्या परेशानी है? राशन कार्ड में नाम जोड़ने आए हैं, लेकिन अपने दीना भैया का नाम नहीं लिख रहे हैं। राशन कार्ड में परिवार के लोगों का ही नाम होता है, कहाँ से आए हो? दादर से। तभी तो, अगर लिस्ट लिखने कोई यहाँ का आदमी होता तो अंदर नहीं आता। ये देखिए, ये मेरा भाई है, ये भी इस परिवार का हिस्सा है। अगर इसका नाम नहीं लिखा तो वोटर्स लिस्ट नहीं चाहिए ना तुम्हारा राशन चाहिए। सर बाहर। अरे इनकी बात छोड़ना, तू मेरा भाई है हमेशा के लिए। चल। टिकट 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 टिकट। कहाँ जाना भाई? दो अंधेरी स्टेशन देना। हाँ। क्या भाई नोट को फाड़ कर दे रहे हो? तुमने भी तो टिकट फाड़ कर दी। मैंने कुछ कहा क्या? लगता है तू लॉफ्टर चैलेंज की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सही समझा। अब मुझे 4 रुपए दीजिए। ये क्या, ये लड़की 4 रुपए मांग रही है? लगता है कोई गरीब लड़की है, दे दे। ये लीजिए 4 रुपए। ये क्या है? आपने 4 रुपए मांगे थे ना? 4 रुपए की टिकट मांगी थी। टिकट? हाँ। वो कंडक्टर से कही है ना। कंडक्टर से ही तो कह रही हूँ, दूसरा और कौन है यहाँ? मैं कंडक्टर? किसने कहा आपसे? कौन कहेगा, यूनिफॉर्म तो पहन रखी है ना। यूनिफॉर्म? अच्छा, खाकी शर्ट पहनने से कंडक्टर बन गया। टिकट 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 टिकट। सॉरी सर, आपकी ड्रेस देखकर सोचा आप कंडक्टर हैं। ड्रेस देखकर मुझे कंडक्टर समझ लिया? शक्ल से क्या मैं तुम्हें कंडक्टर दिख रहा हूँ? कंडक्टर साहब मुझे एक टिकट दीजिए ना। इसलिए भी आना था। दीना, लगता है आज का दिन खराब है। चल तो चल, चला हट रहे। अरे हाँ, इतने बड़े बाजार में कहीं भी पालक नहीं मिली। पालक चाहिए आपको? मैं लेकर आता हूँ ना। पालक ले लो, हरी भाजी ले लो। पालक मैं लेके आता हूँ। ओए माँ, पालक वाली उस तरफ है, मैं लेकर आता हूँ। गई कहाँ पालक वाली? पालक, मेथी, पालक, पालक। पालक, मेथी, पालक। भैया सब्जी ताजी है ना? ये भिंडी तो मुझे फ्रेश नहीं लग रही। गाजर का क्या भाव है? क्या कर रही हैं आप? सॉरी सर, उस दिन आपको सब्जी वाला ना समझकर कंडक्टर समझ बैठी थी। और आज भी आप गलत समझ रही हैं मैडम। मैं सब्जी वाला नहीं हूँ। तो क्या आप सब्जी वाले भी नहीं हैं? तो फिर आप पालक मेथी चिल्ला चिल्ला कर बेच क्यों रहे थे? नहीं, मैं पालक मेथी वाली को बुला रहा था। सॉरी सॉरी सर, पालक मेथी चिल्लाना मुझे बेचना लगा। आपको पीछे से देखने पर आप सब्जी वाले लग रहे थे। मैं आगे से देखने पर कंडक्टर और पीछे से सब्जी वाला लगता हूँ। मजाक कर रही हैं आप? सॉरी, मैं तो यूं ही कह रही थी। हाँ, उसे यहाँ रखकर जाइए। ओहो सॉरी। दीना, उस दिन जो बस में मिली थी, ये वही लड़की है ना? क्या सॉलिड फिगर है यार। तूने उसको बता दिया ना कि तू कंडक्टर नहीं है? हाँ वो तो बता दिया, लेकिन आज सब्जी बेचने वाला समझ बैठे। सब्जी बेचने वाला? कंडक्टर से शुरू करके अब सब्जी वाला बना रहे तो ठीक है, कहीं म्युनिसिपैलिटी वाला ना समझ ले। चढ़ा रहा है। दीना, तुझे भैया बुला रहे हैं। हाँ? बड़े से स्कूल बस का एक्सीडेंट हुआ, इसमें बहुत से बच्चे मर गए। वो एक्सीडेंट नहीं, खून था। बताइए भाई, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके पास का सरस्वती स्कूल मिनिस्टर विद्यासागर का है। स्कूल के गुस्से को उसने बच्चों की बस का ब्रेक फेल करके उतारा। गाड़ी की टक्कर से 16 बच्चों ने स्पॉट पर ही दम तोड़ दिया, जिसमें मेरे भी बच्चे थे। अब आप ही को कुछ करना होगा भाई। दूसरे माँ बाप की तरह मैं यूं ही रोकर चुप नहीं बैठ सकता। 5 लाख रुपए हैं, अब आपको कुछ तो करना ही होगा। भाई, विद्यासागर की पार्टी बहुत ही मजबूत पार्टी है, इसमें दखल देना है। देना है। ए, ऊल जैसे 16 कोमल बच्चों को उसने मारा है, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए? दीना। जी भैया। वो मिनिस्टर और उसके लोगों के सबके हाथ काट डालो। ठीक है भैया। दीना, दाहिना हाथ काटना। ओके, बाद में मिलेंगे। ये तो दीना की आइटम है ना? अरे मेरा फोन! मैंने कहा आपकी फैन है। हेलो दीना, मैं नारायण बोल रहा हूँ। अभी कहाँ पर है तू? पिज्जा कॉर्नर से बात कर रहा हूँ। उस दिन बस में हमें एक आइटम मिली थी ना, वो इस समय यहाँ पर बैठी हुई है। अच्छा ए नारायण, मैं भी 10 मिनट में वहां आता हूँ, तू कुछ भी कर कैसे भी कर, लेकिन वो लड़की वहां से जानी नहीं चाहिए। उन लोगों ने क्या ऑर्डर किया है? 2 कोक 2 पिज्जा। उसे आधे घंटे के बाद लाना, ठीक है? ये ले। इतनी देर क्यों लग रही है? नारायण, हाँ आगे। कहाँ है वो? वो देख उस सीट पर। ठीक है, कुछ पैसे तो दे दे। ए, जरा 200 रुपए देना। हाँ? सारे लोग कैश काउंटर पर पैसे देते हैं, तू मुझसे पैसे मांग रहा है? नहीं तो क्या किचन में मांगने जाऊं? तू भाई को नहीं जानता क्या? आदिकेशव का छोटा भाई है, चल पैसे दे दे। हाँ रुको रुको देता हूँ, इसको पैसे देने ही पड़ेंगे। ये लो। अरे नीचे नीचे। ठीक है। ओह न्यू गेम। वेटर। सर आप? आपको देखा ही नहीं मैंने। उस दिन अचानक बस में देखा और फिर अचानक आपके घर के पास देखा आपको, और फिर अचानक आज मिल गए। ये हम बार बार क्यों मिल रहे हैं? हाँ वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये 3री बार है हम अचानक मिल रहे हैं। ये कौन? ये मेरे चाचा की लड़की। अच्छा तो ठीक है। हाय। अच्छा तो क्या ऑर्डर किया? 2 कोक और 2 पिज्जा। अभी तक लाया नहीं होगा ना? अब लाएगा देखना। वेटर। यस सर। ए वेटर इधर आ। 3 कोल्ड ड्रिंक और 3 पिज्जा। ओके सर। अरे हाँ, मैं पूछना चाह रहा था, ये थर्मस की तरह बॉक्स सा क्या रखा है? क्या हुआ? ये थर्मस नहीं है, दीदी फाइन आर्ट की स्टूडेंट है, उसमें इनके हाथ की ड्राइंग है। अच्छा क्या मैं देखूं? ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या होगा ये? सुपर है। थैंक यू। ये लीजिए। और हाँ, मेरा नाम दीना है, 4 बंगला माड़ा में रहता हूँ। हम बार बार मिलते हैं। अगर आप मुझे अपना नाम बताएंगी तो आपके बारे में जाना जा सकता है। आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? मेरा नाम चित्रा है। मेरा नाम दीना है, 4 बंगला माड़ा में रहता हूँ। अब हम 3री बार मिल रहे हैं। अगर आप अपना नाम बताएंगी तो मैं आपके बारे में जान पाऊंगा। आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? आपने क्या कहा? मेरा नाम क्या है? मैंने अभी अभी तो अपने बारे में बताया, ध्यान नहीं दिया क्या? अभी कहा था। हाँ गाना बज रहा है ना? गाना। कोई बात नहीं, आप खाइए ना। क्या दीना, पोपट बन गया तेरा। लगता है लड़की पड़ गई। दीजिए, इस बार मैं पे कर देता हूँ, अगली बार आएंगी तब आप पे कर दीजिएगा। क्या कहा? अगली बार? इसी तरह अगली बार कहीं मिल जाएंगे तो आप पे कर दीजिएगा। ओके चले। Mr. Dina, I'm so sorry for whatever happened earlier, because you know, first time I met you in the bus and I mistook you as a conductor, and the second time when you came down to my apartment, I mean, I thought you're a vegetable seller, and I asked you to, you know, and the third time, yellow. हमारे लिए आप इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? पैसा जरूरी थोड़ी है, दिल ज्यादा जरूरी है। बाकी पैसे वापस करो। देता हूँ ना। हाँ देखिए, पैसा आज है कल चला जाएगा। मैं पैसों की वजह से परेशान नहीं होता, मुझे दूसरों को खुशी देना ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू अंकल। हाँ थैंक यू। ओके बाय बाय टाटा। वो चॉकलेट के पैसे तो दो। ओहो, क्या हुआ, फंस गई ना? बातें अच्छी करती है लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां फर्राटेदार इंग्लिश पसंद करती हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करती हैं। अगर तेरी असलियत जान जाए तो तुझे भूल जाएगी वो। ये जमेगा क्या? मैं फाइटर, वो फाइन आर्ट। फाइटर और फाइन आर्ट जमेगी क्या? किस जमाने में रहता है तू? आजकल तो आदमी आदमी से शादी करता है, औरत औरत से शादी कर लेती है। जब उन लोगों में जमती है तो फाइटर और फाइन आर्ट में नहीं जमेगी। अरे तू जमा कर तो देखना यार। देखते हैं। हेलो हेलो, मैं एमटीवी से वीजे माया बात कर रही हूँ। आप कौन है? एमटीवी से माया? क्या कहा? यकीन ही नहीं हो रहा मुझे तो। वैसे तो हम आप लोगों को फोन करते हैं, पर आज आपने मुझे कैसे फोन किया? ये एक नया प्रोग्राम है, लकी नंबर सिलेक्ट करके हम ही फोन करते हैं। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांति है, बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ। ओह, क्या बात है। तो बताओ शांति, तुम्हारे घर में कितने मेंबर्स हैं? मैं, मेरी माँ, बड़े भैया आदिकेशव और छोटे भैया दीना। आखिर में जो आपने दीना कहा, तुम्हारे छोटे भैया, उनकी पसंद और नापसंद क्या है? ये क्या, आपने फोन मुझे किया और पसंद मेरे छोटे भैया की पूछ रही है? अब वो मैंने सोचा कि तुम्हारे भाई से अपने सवालों की शुरुआत करूं। अच्छा आप बताओ, तुम्हें किस फिल्म का गाना सुनना है? डॉन में से मैं हूँ कौन और मेरे भैया की पसंद है। एक मिनट, भैया भैया विजय माया। विजय माया, लाला इधर दे। एक मिनट रुकिए। हाँ माया, दीना भैया आपसे बात करना चाहते हैं, उन्हें फोन दूं? हाँ हाँ दीजिए। हेलो विजय माया, मैं हमेशा आपका प्रोग्राम देखता हूँ। हाँ, आप बहुत खूबसूरत है। आप भी बहुत गुड लुकिंग है। क्या आपने तो मुझे देखा ही नहीं, फिर कैसे कह सकती है कि मैं गुड लुकिंग हूँ? सॉरी, मैंने तो वो आपकी आवाज सुनकर बस अंदाजा लगा लिया। अब आपकी हॉबीज क्या क्या है दीना? मारना, पीटना, फेंकना। ओह, तो आप वॉलीबॉल फुटबॉल प्लेयर हैं? फुटबॉल प्लेयर? हाँ कह सकती हो। बताइए, आपके जीवन में कोई ना भूलने वाली घटना हुई है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ हुई थी, एक लड़की, उसे पहले ही 2 बार मिल चुका था। तीसरी बार प्लाजा कॉर्नर में देखकर मेरे दोस्त ने मुझे बताया, तो मैं वहाँ गया, अचानक आने का बहाना किया। हे भगवान, मैं तो खुद को फ्रॉड समझती थी, ये तो मुझसे भी ज्यादा निकला। ये प्रोग्राम कब आएगा टीवी पर? ये अगले हफ्ते आएगा। अच्छा बताइए, आपका फेवरेट कलर क्या है? मैं येलो कलर पसंद करता हूँ। वैसे कलर तो सारे अच्छे लगते हैं, पर पीला ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो आप कौन सा गाना सुनेंगे? कौन सा गाना? भैया भैया डॉन का गाना। अरे रुको, क्या कर रहे हो, मुझे बात करने दो। ठीक है माया, मेरी बहन ने जो बोला डॉन का गाना। हाँ अब ठीक है ना? ठीक है ठीक है। तो दर्शकों, हम दीना के परिवार के साथ डॉन फिल्म का एक गाना सुनकर मजा लेंगे। ये सब कैसे कर लेती है तू? तुझे प्यार हो गया है ना? प्यार तो नहीं है लेकिन पसंद है। इस बारे में उसे कुछ भी मत बताना। कैसे नहीं बताऊँ माँ? मैंने कहा तो मानो, अगर तुमने कहा तो परेशानी बढ़ जाएगी। भगवान के लिए उससे कुछ मत कहना। कैसे नहीं बताऊँ माँ? मैंने कहा ना, मत कहना बस। क्या हुआ? कुछ नहीं दीना, बीएमसी के पास की चाय की दुकान पर कुछ लड़के हमारी शांति के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। शांति? हमारी शांति को छेड़ा था? मोटर में सारा सामान डाल। दीना, बड़े भैया को भी बता दे क्या? अगर वो जान गए तो वो भी साथ चलेंगे, मामला बिगड़ जाएगा। भैया को मत बताना। अगर दोबारा तुझे अपनी बहन के आसपास देखा तो शरीर में हाथ पैर रहेंगे, नाक कान रहेंगे, लेकिन जान नहीं रहेगी। वैसे मुझे पीला कलर ज्यादा पसंद है। कलर्स तो सारे अच्छे लगते हैं मगर पीला सबसे ज्यादा पसंद है। हाय, क्या बात है, आज तो पूरी पीली लग रही हो। पीला रंग मुझे बहुत पसंद है। क्या कहा? पीला रंग तुम्हें भी बहुत पसंद है? हाँ। मुझे भी पीला रंग बहुत पसंद है। देखो तुम्हारी और मेरी पसंद बिल्कुल एक जैसी है। मुझे पीला पसंद है इसीलिए आप ऐसे ही झूठ मत बोलिए कि आप। अरे नहीं, सच में मुझे पीला पसंद है। और इतना ही नहीं, अगर कोई बीमारी भी हो तो मुझे उसमें भी पीलिया ही पसंद है। उसमें भी पीलिया। सब रुको जरा। तुम्हें पता है लड़कियां चूड़ीदार के ऊपर दुपट्टा क्यों पहनती है? पता नहीं पार्टनर, ताकि हमारी तरह जो मर्द थक कर पसीना बहा कर आते हैं तो वो अपना पसीना पोंछ सके, इसलिए। लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां फर्राटेदार इंग्लिश पसंद करती हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करती हैं। अगर तेरी असलियत जान जाए तो तुझे भूल जाएगी वो। ए, सिस्टर के कान के नीचे के बाल कितने सुंदर हैं। ब्रदर के नाक के नीचे भी कुछ बाल हैं, देखना यार। उसे मूंछ कहते हैं और वो रहे तो उसे मर्द कहते हैं। हाँ, उसे मर्द कहते हैं ना। पार्टनर भाग रही है मैडम। हाँ, उसके। हेलो मैडम। हेलो, क्या हुआ, मुझे भूल गई क्या? वो इसी रेस्टोरेंट में आपका 150 रुपए का बिल भरा था, वो तो याद है या वो भी भूल गई? एक्सक्यूज मी, आप दूसरी टेबल पर जाएंगे। आपको हुआ क्या है, ये अचानक गुस्सा क्यों? क्या हुआ? बस स्टॉप के सामने ईव टीजिंग कर रहे थे और आप चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे। ओह, तो उसका गुस्सा है, जाने भी दो ना। तुम अगर 5 लोगों को नहीं मार पाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम उन्हें कोई जवाब तो दे सकते थे ना। हाँ, लेकिन किस लिए फालतू का रोड पे बेकार का झगड़ा करना, और ऊपर से आप जैसी लड़कियों को लड़ाई झगड़ा भी पसंद नहीं आता है। किस बेवकूफ ने कहा कि लड़कियों को झगड़ा पसंद नहीं है? सारी लड़कियों को झगड़ा बहुत पसंद है। क्या कहा? आपको झगड़ा पसंद है? मेरी छोड़ो, सारी लड़कियों को पसंद होता है। सारी लड़कियों को छोड़ो, क्या सच में आपको झगड़ा पसंद है? हाँ बिल्कुल, मुझे एक्शन फिल्में बहुत पसंद है। जैकी चैंग की फिल्में रिलीज होते ही मैं 2 बार देखती हूँ। अरे 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 अरे, हे भगवान, ये बात आप पहले नहीं बता सकती थी क्या? क्यों? अब देखना, अगली बार आने दो उन्हें, फिर देखना क्या हाल करता हूँ उनका। कितनी जल्दी आ जाएंगे ये नहीं सोचा होगा ना। ये तो वही दुपट्टे वाली मैना है ना। अरे साथ में मर्द भी है भाई। मुझे मालूम था कि हम यहाँ खाने आएंगे, इसीलिए तुम ये दुपट्टा पहन के आई हो ना। छी, इस पिद्दी से लड़ने के लिए ये बॉटली रॉड की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो हाथ ही काफी है। जोसेफ, यहाँ पर अभी झगड़ा होने वाला है। जोसेफ अभी यहाँ पहुँचने वाला है। अरे भाई, क्या भाई आप यहाँ कुछ खाने पीने आए थे क्या? मैं खुद ही आपसे मिलने आने वाला था। अपने नारायण भाई से मैंने बोला था मिलने के लिए। वसूली करते समय आपने मेरे लड़कों पर हाथ उठा दिया भाई, इनसे कुछ गलती हुई क्या? मैं कभी आपके एरिया में घुसा हूँ क्या? अगर हमसे कुछ गलती होती है तो आप हमको मारो ना भाई। पिछले महीने भी आपने हमारे एरिया में घुसकर हमारे एक सेठ को काट डाला, मैंने तभी कुछ नहीं कहा ना भाई। लेकिन आपका ये नारायण है ना, हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है भाई। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, मैं बाद में बात करूंगा। जाओ भाई को सलाम बोलना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है भाई, जाओ अभी। अच्छा तुम हो कौन? लड़ाई झगड़ा तुम्हें पसंद है ना? हाँ? लड़ाई झगड़ा तुम्हें पसंद है ना? हाँ हाँ, यही मेरा धंधा है। अब बता क्या प्रॉब्लम है तेरी? इस दीना के बारे में सोचकर ही डर लगता है। इतना बड़ा चाकू लोग बकरा काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, बस वैसा ही चाकू अपनी पीठ से बाहर निकाला। क्या कहा? हाँ, और पता है मोटरसाइकिल की चेन अपनी कमर में बांधी थी। बर्थडे केक जिस चाकू से काटते हैं ना, ठीक वैसा ही चाकू कमर में रखा था। अपने शरीर में करीब करीब 4 किलो का सामान लेकर घूमता है। तूने ही तो कहा था तुझे लड़ाई झगड़े वाला लड़का पसंद है। हाँ तब कहा तो था, लेकिन अब ज्यादा लग रहा है। मेरी बात सुन, एक सादे इंसान को तू बहादुर नहीं बना सकती, लेकिन एक बहादुर को तू सादा इंसान बना सकती है। तो तू ये कह रही है? जल्दी से सिनेमा हॉल जाकर कॉर्नर सीट में बैठकर उसके साथ मजे ले। सिनेमा थिएटर में कॉर्नर सीट पर क्यों बैठूं? बोल ना। जो बैठते हैं ना तू उन्हीं से पूछ। तबीयत खराब है क्या? कुछ अलग सी लग रही है। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। गर्मी बहुत लग रही है ना? तुम्हें रुमाल चाहिए? हाँ? चित्रा दीदी, तुम्हारी सहेली बाहर इंतजार कर रही है, जल्दी बुलाया है। बाय बाय। क्या हुआ? अब मेरी क्या जरूरत पड़ गई थी? क्यों, क्या हुआ? मैं बस उसे आई लव यू का रुमाल देने ही वाली थी कि इतने में ये आ गई और ओह सॉरी। हाँ, मैं नहीं जानती थी। कोई बात नहीं। है भगवान, मेरी गाड़ी की चाबी। ओहो, एक मिनट, मैं बस चाबी ले आती हूँ। देने वाली थी ना, उसी तरह वो कार्ड लेकर आया था, वो भी मुझसे प्यार करता है। तब तो मामला क्लियर है, बात इजी हो गई। जल्दी से जाकर उसे आई लव यू कह दे। वो कितना बड़ा गुंडा है, लेकिन एक लड़की को कार्ड नहीं दे पाया। उसकी टेंशन को थोड़े दिन मजे लेकर बाद में बताऊंगी। सारी लड़कियाँ एक ही जैसी होती हैं, कोई प्यार ना करे तो उसके पीछे भागो, अगर प्यार करे तो भाव देना शुरू। तुम जाओ भाड़ में। यस भाई, मैं पुलिस स्टेशन से राजकुमार बोल रहा हूँ। बोलो भाई। आपके भाई दीना ने मिनिस्टर का हाथ काट दिया था ना, अब उस मिनिस्टर का भाई दीना के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। अगर उस पर केस हो गया तो 1 साल तक उसे जमानत भी नहीं मिलेगी। अब आपसे छुपा तो नहीं सकते, बाकी तो आप समझते ही हैं। मेरे भाई को जेल की हवा खिलाने की तैयारी कर रहा है। उसे 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी अंदर भेज कर तो दिखा। तू 234 धाराओं के बावजूद भी मैं तुझे जिंदा काट डालूंगा। दीना सिर्फ हाथ काटता है, लेकिन आदिकेशव गर्दन काट डालता है। ये जानता है ना तू? को इस काम से कहां ये बात है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं भाई। नहीं कुछ तो है जी। बात यह है कि हाँ बोलो भाई, इतनी बार हम कोर्ट केस में अंदर गए होंगे और आप हमें बाहर लाए होंगे, लेकिन वो मिनिस्टर अगर दीना को 1 मिनट के लिए भी अंदर रखेगा तो आप उसे 234 धाराओं के बावजूद जिंदा काट डालने के लिए क्यों कह रहे थे, ये समझ में नहीं आया। वो दरअसल क्या है ना, तुम सब मुझसे पैसे लेकर मेरे लिए काम करते हो, इसे गलत मत समझना। तुम्हारा अपना परिवार भी है, लेकिन उसके लिए तो हम ही उसका परिवार हैं। मैं जिससे कहता हूँ उसे काटता है, मैं जिससे कहता हूँ उसे मारता है, लेकिन उसके लिए आज तक उसने कभी मुझसे पैसे लिए क्या? दीना अभी आया भैया, इधर आ। जी भैया। तुझे क्या चाहिए बोल। मुझे तेरे लिए कुछ करना है, तू कुछ भी मांग ले। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए भैया। अरे इतने पैसे का तुम क्या करोगे? बैग दे। शुक्रिया भैया। माँ माँ माँ, क्या हुआ? माँ, अरे रुक आती हूँ। क्या है बेटा? माँ, तुम्हें याद है एक बात, जब शांति 5 साल की थी तब हम मंदिर गए थे उसके कान छिदवाने के लिए। तब वहाँ एक लड़की सोने की बाली पहनी हुई थी, तो शांति भी उसी तरह की बाली मांग रही थी। तब आपने खरीदने से मना कर दिया था और शांति उसी बाली के लिए जिद किए जा रही थी। हाँ तो ये ले छोटी बाली। माँ, जब शांति 7 साल की हुई थी तब स्कूल के ड्रामे में एक्टिंग के लिए बनारसी फ्रॉक मांगी थी और हमारे पास उसे दिलवाने के लिए पैसे नहीं थे। याद है ना आपको? याद है। ये देखो बिल्कुल वैसी है ना। लो और जब उसकी उम्र 11 साल की थी तब मामी की तरह अंगूठी मांगी थी इसने, याद है? ये लो। और ये पिछले हफ्ते कॉलेज जाने के लिए काइनेटिक होंडा मांगी थी ना, गाड़ी बाहर खड़ी है, ये लो उसकी चाबी। पिछले हफ्ते गाड़ी की मांग की तो बात ठीक है, लेकिन ये क्या 5 साल की उम्र में मांगी बालियां, 7 साल में फ्रॉक, ये सब ये अभी पहन सकती है क्या? नहीं माँ, शांति जब छोटी थी तब उसने ये सब मांगा था हमसे, लेकिन उस वक्त आपने मना कर दिया था और ये रोती थी। अगर उस समय हमारे पास पैसे होते तो ये सब दिला दिया होता। आज भैया ने 1 लाख रुपए दिए इसलिए मैं वो सारी चीजें ले आया। ठीक है, लेकिन अब पहनने वाली चीजें ला सकते थे ना? माँ, हाँ ला तो सकता था माँ, लेकिन 5 साल की उम्र में जिद किया और वो नहीं मिला, 7 साल की उम्र में जिद किया तो भी कुछ नहीं मिला। उसे कितना बुरा लगा होगा ना, इसलिए उसने जिस चीज की इच्छा की आज मैंने वो सब उसे दिला दिया, लेकिन थोड़ी देर से मिला बस। माँ, इसे सब मिलना चाहिए ना। क्या हुआ? काश आप मेरे सगे भैया होते। बात क्या है? तुम इतने टेंशन में क्यों नजर आ रहे हो? जमाना बहुत बिगड़ गया चित्रा। जमाने के बारे में क्यों सोचने लगे? और नहीं तो क्या, वो देखो उनकी उम्र 40 साल की होगी लेकिन प्यार करते हैं। वो देखो वो लोग 18 साल के होंगे और वो भी प्यार करते हैं। अब तो मंडे मिलते हैं, ट्यूसडे को बातें करते हैं, वेडनेसडे को आई लव यू कह देते हैं। तुम्हें पता है ग्रेट शेक्सपियर क्या कहते थे? नौजवानों को प्यार करना चाहिए। तो तुम नौजवानों के भविष्य के बारे में सोच रहे हो? अरे और नहीं तो क्या, कल मैं 28 साल का हो जाऊंगा। ओह, तो कल तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। जाने भी दो, बस हर साल सब यही कहते हैं, लाइफ में कुछ मजेदार होना चाहिए। ओके, हम दोनों के बीच का खेल अब खत्म करते हैं। बहुत दिनों से मुझे एक जरूरी बात कहनी थी तुमसे, अब कल तुम्हारे बर्थडे पर कह दूंगी। क्या कहने वाली हो? वो तो तुम जानते ही हो। जो मैं चाहती हूँ वो तुम भी चाहते हो। हम दोनों के दिल में जो बात है वो कल मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर कह दूंगी। नहीं, आज ही मेरा बर्थडे है, आज ही कहो ना। अरे इतनी जल्दी अपना बर्थडे का दिन भी बदल दिया? नामुमकिन, कल ही बताऊंगी। नहीं, पहला शब्द तो कह दो। आई। आगे? बाकी का कल। आज ही कह दो ना। आई आगे? नहीं कहूँगी, एक दिन तो इंतजार करना होगा। कल इसी समय इसी जगह आपसे मुलाकात होगी। इजाजत लेती हूँ, आपकी चित्रा। बाय। अब भाग गया ना, छोड़। अगर दीना को पता चल गया तो न जाने क्या होगा। माँ, आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं जानती। अगर उसी समय उसे काट डाला होता तो आज ये काम नहीं करता वो। क्या हुआ? दीना दोबारा वो लड़का शांति को लेटर देने के लिए आया था। माँ को देखते ही डर कर भाग गया। मैंने पहले ही कहा था कि बड़े भैया को बता दो। अब देखा दोबारा उसने वही हरकत की ना। अगर भैया से कहा तो वो उसे जान से ही मार डालेंगे। ये हमारी बहन की प्रॉब्लम है, अच्छी तरह सुलझानी है। हम ही सुलझा लेंगे, कोई भी भैया से नहीं कहेगा। माँ, आप भी भैया से कुछ मत कहना। ये क्या हो रहा है? भैया, मेरे भैया को मत मारो। बेटा, मेरा बच्चा। भैया, बेटा, भैया, भैया, मेरा बच्चा। अब ठीक तो है बेटा? तुम्हारा भाई समझता क्या अपने आपको? उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को छेड़े? सुन लो, दोबारा उसे अपनी बहन के पास देखा तो छोड़ूंगा नहीं उसे। वो जानता नहीं है मेरी बहन है वो। वो तुम्हारी बहन है तो मैं भी अपने भाई की बहन हूँ। तुम भी तो आए थे मेरे पीछे। आए के बाद क्या है, बोलो बोलो कहकर। हाँ, बाकी लोग को मारू तो झगड़ा तुम्हें पसंद है और तुम्हारे भाई को मारू तो झगड़ा पसंद नहीं है। तुरंत लड़ने चली आई। दूसरों की बहनों के पीछे तुम लोग घूम सकते हो, लेकिन तुम्हारी बहन को किसी ने छेड़ा तो तुम उसे मारोगे, क्यों है ना? मैं कोई तुम्हारे भाई की तरह लड़कियों को छेड़ता नहीं हूँ। मेरा भाई छेड़ता है ये किसने कहा? मेरा भाई और तुम्हारी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसा तुम्हारे भाई ने कहा होगा। मार के डर से झूठ बोल रहा होगा। मेरा भाई मुझसे झूठ नहीं बोलता। ये प्यार वाली बात मेरी बहन ने मुझसे नहीं कही। कैसे कही कि वो एक शहर का भाई है और दूसरा फाइटर? किससे कहती वो? कोई सगी दादी या बहन होती तो वो उससे कुछ कहती, समझ गए? अगर मेरे भाई ने छेड़ा है तो तुमने उसे मारा भी है ना? लेकिन मारने से पहले अपनी बहन से पूछा? जाओ पूछ कर आओ। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो तुम्हारे भाई से अपनी बहन को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। थैंक्स। ए, ये थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। वो तेरा भाई है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वो मेरी बहन है इसलिए कह रहा हूँ। ओके, वो लोग बिना परेशानी के बस एक हो जाए। अच्छा, वो आई के बाद का बैलेंस बोलने के लिए कहा था ना। सारी दुनिया गई भाड़ में, लेकिन तुम्हें जवाब चाहिए है ना? अरे कहा ना, वो बात मैं संभाल लूंगा। अब आई के बाद बोलो। पहले ये सारी परेशानी सुलझाओ और उन्हें मिलाओ, तब तक के लिए सिर्फ आई। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हुआ? पता है उसे 2 बार मारा है मैंने। अगर उससे प्यार करती हो तो मुझसे कह सकती थी ना। भैया, मैं सब जानता हूँ। अच्छा हुआ ज्यादा नहीं मारा, वरना अब तक मर ही गया होता। सच कह रहा हूँ। सॉरी भैया, मैंने आपसे कहने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन लेटर देने पर ही आपने उसे इतना मारा। अगर प्यार की बात पता चलती तो कहीं उसके हाथ पैर न काट देते। इस बात से मैं बहुत डर गई थी। मुझे क्या पता था आप हमारी हेल्प करेंगे। अब ये किसने कहा कि मैं तेरी हेल्प करूंगा? तो फिर मजाक कर रहा था। तू चिंता मत कर, उस लड़के से तेरी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? ये क्या है? ना नमक है ना मिर्च। किसने बनाया? शांति ने। हाँ भैया, इस शांति को खाना पकाना ही नहीं आता। जल्दी से इसकी शादी करके भगाओ इसे। मैं भी यही सोच रहा हूँ। भैया आप हाँ तो करो, टेंट से लेकर खाने तक का सारा इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, शादी का सारा इंतजाम तू कर, लड़का मैं देख लूंगा। भैया आप किस लिए परेशान होते हैं? लड़का भी मैं ही ढूंढ लूंगा। तो किसी को जानता है तू? तेरी तो दारूबाज और हथियार वालों से ही जान पहचान है। मैं ही देखूंगा लड़का। तो भैया हमारे लड़का देखने से पहले शांति से पूछ लेते कि कहीं वो किसी से प्यार तो नहीं। क्या कहा? प्यार? वो सब 4 बार घर में खाना खाकर फालतू बैठने वाले लोगों को काम होता है, समझा? हमारी शांति ऐसा नहीं करेगी। क्यों शांति, तू किसी से प्यार करती है क्या? हा? कोई आदमी जिससे तू प्यार करती है? बोल ना, बोल। नहीं। हाँ, ये हमारी बहन है, देखा ना माँ। और एक बात, नागपुर के एसआई के लड़के से बात कर ली थी। इसके एग्जाम के बाद ही सगाई रख देते हैं और 1 महीने के बाद ही शादी। मैं खुद ही तुमसे बात करने वाला था, लेकिन तुम ही लोग ने बात छेड़ दी तो मैंने सब बता दिया। अरे इस बारे में तुमने मुझे भी कुछ नहीं बताया। हाँ कहा क्यों नहीं? अचानक पूछेंगे तो मैं कैसे कह पाऊंगी? क्या हुआ शांति? मेरे भैया ने दूसरी जगह लड़का देख लिया है, इसलिए तुम्हें मैंने अर्जेंट बुलाया था। हमें यहाँ से भाग चलना होगा। सोचने का टाइम नहीं है अभी। अगर शांति से शादी हो गई तो भैया कुछ नहीं कहेंगे। जो भी करना है जल्दी करो, चलो चलते हैं। भाई भगा कर ले गए भाई, आदिकेशव भाई। क्या हुआ? आपकी बहन को वो सब भगा कर ले गए। जल्दी कर दे शांति। मेरे भाई के आदमी पूरे शहर में फैले हुए हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो अगले पल वो हमें पकड़ लेंगे। तुम्हें कुछ हो ना जाए, मुझे डर लग रहा है। प्रेम, गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ। शादी करने के बाद ये शहर छोड़ देंगे। शांति, शांति, शांति। मैंने कहा था ना सब संभाल लूंगा, फिर इतनी जल्दी क्या थी? बड़े भैया को तो आप अच्छी तरह जानते ही हो। वो जो फैसला करते हैं तो दोबारा नहीं बदलते, इसलिए मैंने। लेकिन मेरा टाइम ही खराब था, इसीलिए तो शादी से पहले ही ऐसा हो गया। शांति, घबरा मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। हाँ? नहीं भैया, अभी थोड़ी देर में बड़े भैया यहाँ आ जाएंगे। तुम आराम करो, ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं होगा। मैंने जिसे प्यार किया, शांति, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। परिवार को वो जरूर बांट डालेंगे। ऐसा नहीं कहते शांति, आराम करो। भैया 5 साल की उम्र से पिछले हफ्ते की सारी ख्वाहिशें मेरी पूरी की थी ना। मैं जानता हूँ। तुम्हारी बहन की ये आखिरी इच्छा भी पूरी करोगे ना? ऐसा मत कहो शांति। हमारे भैया की वजह से उनके परिवार को कुछ नहीं होगा ना भैया, वादा करो। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना सब संभाल लूंगा। मैं सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। शांति, 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 क्या हुआ? डॉक्टर, शांति, शांति, क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर, शांति, 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 आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए। डॉक्टर प्लीज देखिए, क्या हो गया? सिस्टर, इंजेक्शन लेकर आइए। डॉक्टर मेरी बहन, I'm sorry. डॉक्टर क्या हुआ मेरी बहन को? शांति, शांति, डॉक्टर देखो ना, शांति, 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 शांति आंखें खोलो, शांति, शांति, शांति आंखें खोलो, शांति. पता क्यों किया? क्यों किया? बस यही हमारे हाथ लगा है। एक घंटे के अंदर उसके परिवार के बारे में सब कुछ जानना है मुझे, समझे तुम लोग? उसके शरीर को आज तक चिंगारी ने भी नहीं छुआ था, इस तरह पाला था, लेकिन आज आज उसी के शरीर को आग लगा दी। भैया कोर्ट कचहरी सब मैं बाद में देख लूंगा, उसके परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसके घर में कितने लोग हैं? वो, उसकी माँ और उसकी बहन। भाई के जिंदा रहने पर बहन मर जाए तो कैसा लगता है उसे पता लगना चाहिए। सबसे पहले उसकी बहन को मार डाल और फिर उसके बाद उसके घर में कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। हाँ, क्या हुआ? ये क्या किया? भैया वो लड़का पहले भी है ना हमारी बहन को 2 बार छेड़ चुका है। भैया क्या कहा? वो हमारी बहन को पहले भी छेड़ चुका है? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? दीना ने आपको बताने के लिए मना किया था भैया। हाँ? तूने बताने के लिए मना किया था, लेकिन क्यों? अगर कहा होता तो तभी उसको काट डालता। आखिर क्यों मना किया था तूने? क्योंकि ये उसकी बहन से प्यार करता है, अगर उसके भाई को जान से मारेगा तो उसकी बहन से इसकी शादी नहीं होगी, इसलिए इसने मुझे भी मना कर दिया था। नहीं, ये चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। उसके परिवार को खत्म कर दे। भैया आप गलत समझ रहे हो, उसने शांति को अगवा नहीं किया था, बल्कि वो तो प्यार करके शादी करने जा रहे थे। मरने वाली वापस नहीं आएगी साड़ में, झूठ मत बोल। उस दिन खाते समय तेरे सामने ही पूछा था ना, तब शांति ने कहा था कि मैं किसी से प्यार नहीं करती। मुझसे झूठ बोलकर तुझे अपने प्यार के बारे में बताया था उसने। वो मेरी बहन थी या तेरी बहन? मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार जो भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं ये नहीं होने दूंगा। तू नहीं होने देगा? मैंने दीना को भी देखा और तूने आदिकेशव को देखा है। दीना की उम्र में आदिकेशव को भूल गया होगा। अगर मैं ठान लूं तो आदि तुझसे भी बड़ा गुंडा है। अगर तुझे मारने के बाद उस परिवार को मारना पड़ा तो तुझे भी मारने से मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। देखो बेटा, तुमसे विनती है, उन्हें कुछ मत करना। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा। उन लोगों को मेरे भैया से खतरा है। मैं उन्हें बचाने आया हूँ। जिसने शादी में मदद की उसे तुम्हारे भाई ने मार डाला। अब अगर तुम ये कहते हो कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं तो तुम सोचो कैसे तुम पर विश्वास करें। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं उन्हें बचाने आया हूँ। देखो बेटा, जो भी करना हो गेट के बाहर करो। यहाँ पर हमें बिना झगड़े के रहने दो प्लीज। आप लोग प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। वो बेकार की बातें हैं, आप जाइए पहले। चलो, मेरे भैया के लोग अभी यहाँ आ जाएंगे। मेरी बात मानिए। हेलो, जरा इधर आओ भाई। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हम जो भी कहेंगे ये उसी का उल्टा करेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि बैचलर्स को घर मत दिया करो। ये लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। मेरे भैया के लोग कभी भी यहाँ आ जाएंगे। हेलो, जब हम बात कर रहे हैं तो तुम अलग से बात क्यों कर रहे हो? हम लोग कुछ भी बात करें, हमारी इच्छा। दखल अंदाजी मत कीजिए। चलो भाई, चलो। तुम उनको छोड़ो, आओ हमारे साथ चलो। आओ, हम दोनों ऑटो ड्राइवर्स हैं, सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स। डिग्री हासिल करने के बाद काम ढूंढने के लिए पार्ट टाइम ऑटो चलाने लगे। अब वही फुल टाइम हो गया है। फ्लैट हमारे प्रोफेसर का है, उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। अब हम यूज कर रहे हैं। आप लोगों का शुक्रिया। इतने लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन आप लोगों ने मुझ पर यकीन किया। सिंपल साइकोलॉजी। उस दिन तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने शांति को छेड़ा था। उसकी मौत के बाद भी तुम शांत दिख रहे हो। तुम चाहते तो उसे मार सकते थे। ऐसा ना करके तुम चुपचाप खड़े हो। तुम्हारे इस तरह चुपचाप खड़े रहने की कोई तो वजह जरूर होगी, ये मैं समझ सकता हूँ। उनके परिवार को मेरे भाई से खतरा है। मुझे उन्हें कैसे भी रोकना होगा। क्या हुआ? अरे उसकी बॉडी आ गई। बाहर क्या हुआ? इसके भाई ने हॉस्पिटल में जिसको चाकू मारा था ना, उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया है। और आदि केशव ने ही चाकू मारा था, ये बयान भी पुलिस को दे दिया है। और केशव भाई को अरेस्ट भी कर लिया है। सारी बसें रोकी जा चुकी हैं और बाजार भी बंद कर दिया गया है। जज से मिला था। मुझे बेल कब मिलेगी? मुझे बाहर कब निकालोगे? आपने जिसे चाकू से मारा था उसने मरते समय बयान दिया है, इसलिए केस बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, वरना आप तक आपको छुड़ा लिया होता। मैं जिंदगी भर जेल में रह लूंगा, लेकिन एक दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। सिर्फ एक दिन उसके परिवार को मारना चाहता हूँ। भाई, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं कैसे चिंता न करूं? मेरी इकलौती सगी बहन थी वो। आंखें बंद करो तो भी उसका चेहरा सामने दिखता है मुझे। भाई, आज बुधवार का दिन है। गुरुवार तक उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हम आपसे वादा करते हैं। चलो। ₹15 हुए। कैसे है भाई? ठंडा कैसे? चित्रा, 1 किलो। मेरी बात सुनो चित्रा, यार रहने दो, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे लिए अपने भाई से दुश्मनी मत करो दीना। और मैंने कहा था कि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद है, पर वो दूसरों के घर में हो तो मजा आता है, पर अपने घर में बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो चित्रा, जो हो गया उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे अजू तू क्या करे, चल जल्दी। क्या अरे भैया देख के चले दुकान बंद कर चल। क्या हुआ बताओ। हेलो सर, यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। हेलो, हमारे सारे आदमी को दीना ने मारा और हम कुछ भी नहीं कर सके। हॉस्पिटल में हमारे सारे आदमी पूरी हालत में पड़े हुए हैं, उन्हें कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। दस आदमी नहीं, 20 आदमी भी जाएंगे तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ अकेला मैं ही उसे मार सकता हूं। कब मुझे बाहर निकालोगे? हाँ भाई, नाराज मत होइए, मैं सारी तैयारी कर रहा हूं। कभी भी जमानत के ऑर्डर आ सकते हैं। अरे हमारे जो भी आदमी हॉस्पिटल में, उनके परिवार को संभाल लेना। हाँ May I come in? Hi, Priya darling. आओ। मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आई। दीना, तुम्हारी साली तुमसे मिलने आई है। अरे प्रिया, क्या बात है आज अचानक यहाँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो। बोलो क्या बात है, बोलो। आप और चित्रा दीदी दोनों प्यार करते हो ना? दीदी बहुत परेशान है, आपके बारे में कुछ भी बात करो तो सुनना ही नहीं चाहती। हमने यहाँ पर अचानक मीटिंग इसलिए रखी है क्योंकि कुछ दिनों से हमारे अपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसका कारण कौन है ये आप सब लोग तो जानते ही हैं। हमने अपनी सोसाइटी में 2 बैचलर्स को अलाउ किया था, लेकिन उन्होंने एक गुंडे को शरण दे रखी है और उसने कल बाजार में कई गुंडों को मारा पीटा है। अभी तो हॉस्पिटल में है, लेकिन ठीक होकर यही आएंगे। एक गुंडे की वजह से हमारी सोसाइटी क्या से क्या हो गई है। हम तुमसे बात कर रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते? अगर ये वही पुराना दीना होता तो जवाब कुछ दूसरा होता। फालतू की बात मत करो, उसका जवाब पूछो। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या पूछ रहे हो? हम उसे निकालना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। देखा कितनी बदतमीजी से बोल रहा है। इसीलिए बैचलर्स को रूम देने के लिए मना किया जाता है। बैचलर्स को रूम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि बैचलर्स बहुत ही बुरे होते हैं। क्या? तो बैचलर्स तुम्हें इतने बुरे लगते हैं? बैचलर्स बुरे होते हैं इसलिए रूम नहीं देते हो? फिर अपनी लड़की की शादी बैचलर से क्यों करते हो? पहले से शादीशुदा 2-3 बच्चे वाले से अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं करते? रूम देते समय बैचलर बेईमान होते हैं, लड़की से शादी करने के लिए ईमानदार हो जाते हैं। कार्तिकेय से लेकर हनुमान तक वो सभी बैचलर ही थे, पता है ना? अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी भी तो बैचलर ही है ना। देखो तुम फालतू की बात मत करो। तुम्हारा फाइनल जवाब क्या है? फाइनल? ये नहीं हो सकता। तो फिर तुम यहाँ रह भी नहीं सकते। इस एसोसिएशन में न रहने से पहले हम तुम लोगों को ही भेज देंगे। क्या कर रहे हो? छोड़ो दीना, आज से मैं खुद नया सेक्रेटरी हूँ और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी। हम आपको रिजेक्ट करते हैं। चलो दीना चलो। अब हेलो, मीटिंग अभी चल रही है। हाँ, अभी चाय और पकोड़े आएंगे ना, खाकर जाना। तू सो मत रहे, तू दूसरी कॉलोनी का है। समझते हैं अपने आप ना? आजकल की जनरेशन ही ऐसी है, उन्हें तो समझाना ही मुश्किल है। मेरी बात तो सुनो, मेरी वजह से तुम लोग क्यों परेशानी में फंसना चाहते हो? ना समझी के कारण हजारों लोग तुझे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन हम तो सब जानते हैं ना हम तुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तुम इतना कमजोर समझते हो हमें? प्रॉब्लम की वजह से क्या हम पीछे जाएंगे? इस वक्त तुम हमारी परेशानी की चिंता मत करो, हमारे साथ चलो। बहुत दिनों से मैं तुम्हें उदास देख रहा हूं। देखो मेरे बारे में सोचकर तुम क्यों परेशान होती हो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। भैया हम यहां नहीं रहेंगे, दूसरे शहर चलते हैं। यहां पर किसी को चैन नहीं है। मैंने भी यही कोशिश की थी, लेकिन मेरे दोस्त का खून होने की वजह से पुलिस ने शहर छोड़ने से मना किया है। ये केस खत्म होते ही हम कहीं और चले जाएंगे। क्या हुआ पार्टनर, इतने टेंशन में हो? 2 साल तक जिसको प्यार किया उसी ने धोखा दे दिया। हाँ बताओ क्या हुआ उसका? कल हिम्मत करके मैंने उसे आई लव यू कह दिया, लेकिन बदले में उसने क्या कहा मालूम है? बाकी लड़कियों की तरह उसने भी मुझे भैया कह दिया। छोड़ ना उसे, भूल कर जो लड़की तुम्हें चाहती है उससे प्यार कर। ए, तूने उसे मारा क्यों? देखना दीना ये क्या बोल रहा है। तू जिसे प्यार करता है उसको छोड़ दे और ऐसी लड़की ढूंढ ले जो तुझको प्यार करे। ठीक ही तो बोला। कौन है? कोरियर है सर। आया मैं देखता हूँ। तू हंस मत रहे। क्या है भाई? आपका कोरियर है सर, यहाँ पर साइन कर दीजिए। हेलो ये ले जाओ। थैंक यू सर। क्या है दीना? उसने 5 बजे मुझे छत पर बुलाया। हाँ? क्या बात है दीना, ऑल द बेस्ट। आज तुम अपनी बात जमा ही देना। सॉरी, तुम खुश रहो इसीलिए मैंने अपने भाई के साथ जाने का फैसला किया है। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। मेरे भैया मुझे दुश्मन समझते हैं, मेरे साथ वाले मेरा विश्वास नहीं कर रहे। जेल से मेरा भाई कभी भी बाहर आ सकता है। इतनी परेशानियों के होते हुए हमारा क्या होगा तुम यही सोच रहे हो ना दीना? सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है। हाय बेबी। टाटा। ए, ईव टीजिंग कर रहे हो तुम? ईव टीजिंग? ये 5 साल की बच्ची है। 5 साल की हो या 15 साल की, लड़की लड़की होती है और ईव टीजिंग होती है। हाँ, शरद ये बुड्ढा आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। इस जमाने के बैचलर्स बेकार हैं। उस जमाने में जब हम बैचलर्स थे तो पता है कितनी इज्जत होती थी हमारी। बुड्ढे जरा इधर सुन। क्या है? अभी क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि उस जमाने की तरह इस जमाने के बैचलर्स नहीं है। तुम्हारी शादी कितनी उम्र में हुई थी? 13 साल की उम्र में। बैचलर का मतलब भी पता है तुम्हें? शादी करने की उम्र में जो आदमी बिना शादी किए रहता है उसे बैचलर कहते हैं। उस जमाने में कौन था बैचलर? हाँ, 13 साल की उम्र में 8 साल की बच्ची से शादी कर ली। और हमारे लिए क्या किया? शादी करने की उम्र तय कर दी 21 साल, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल लिख कर रख दिया। हाँ? हाँ, जब से दुनिया बनी है किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे लोगों की उछल कूद की वजह से सारी परेशानी पैदा हो गई। अब मेरी बात सुनो, अगर एक लड़की से ये कहो कि तुम बहुत ही सुंदर हो, इतनी सी बात पर वो मार मार के तुम्हारा भरता बना देगी। अब ये खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? बड़े आए। 13 साल की उम्र में शादी करने के बाद 8 साल की तेरी बीवी को भी तेरे बाप ने खाना खिलाया होगा। लेकिन इस जमाने के बैचलर्स ऐसे नहीं है। जिस माँ बाप ने पैदा किया उसे खाना खिलाना है, अपनी कुंवारी बहन की शादी करनी है, इसलिए कुछ शादी के बिना रहते हैं। ये होते हैं इस जमाने के बैचलर्स। फिर कभी कहा ना कि इस जमाने के बैचलर्स उस जमाने के बैचलर्स जैसे नहीं होते हैं तो और कलयुग आ गया है। हाँ, 8 साल की लड़की से खुद शादी कर लिया और 5 साल की लड़की को देखकर आइटम कह रहा है। बोलता है कलयुग आ गया है। बड़ा आया बात करने। तेरे भाई ने पेंसिल छीलने के लिए भी शायद चाकू का ही इस्तेमाल किया होगा। ये लड़का तो देखने में भी पपीता लगता है, इसको तो वैसे ही काट के रख देगा। ठीक है, मैं जाकर केस के टाइम का पता लगा कर आता हूँ। ठीक है। सोचना कि मैं तुझे भूल गया, मैं जल्दी ही बाहर आऊंगा। देखो भैया ना, चेक वो चेस में होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है। क्या बात है, आज काम पर नहीं गए? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर ने कुछ न कुछ खेलते रहने को कहा है, इसीलिए कैरम बोर्ड खेल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। हमारे फ्लैट में किसी लड़की की आवाज। यस चित्रा, क्या बात है तुम अचानक यहाँ? किसी ने देख लिया तो? किसी ने नहीं देखा, मैं छुपते हुए आई हूँ। बहुत बोर हो रही थी, इसीलिए आज पूरा दिन यही रहूंगी। ये शरद हाय और ये बालाजी हाय। इन लोगों को मैं पहले से जानती हूँ। जानती हो? आते जाते मुझे रास्ते में छेड़ा करते थे। मैं नहीं ये ऐसा कहाँ, वो तो उस समय की बात थी, अभी कहाँ है। मजाक करते थे। ये क्या, मैं घर आई हूँ और मुझे बैठने के लिए नहीं कहा? सॉरी बैठो ना। उस थर्मस में कॉफी है क्या? शांत रहो। थकन तो लगा है? बोलो। मैंने एक एल्बम रेडी की है, देखोगे? हमारे फ्यूचर की एल्बम मैंने ड्रॉ की है। यही तुम्हारे बनाने का तरीका है? हाँ, तुम्हारे बाजू में कोई और है और मेरे बाजू में कोई और। तुम्हें किसने बीच में से देखने के लिए कहा? शुरू से देखो। बताओ ये कौन है? हम दोनों हैं। हम दोनों की शादी की। आगे देखो। ये देखो ना। ये? हम दोनों की शादी के कुछ साल बाद मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारा पेट ऐसा क्यों फूला हुआ है? बिरयानी खाई थी क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह, कितने महीने से? दीना। देखा, बच्चा मेरी तरह दिखता है। हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह गुंडा नहीं है। गया काम से। ये क्या है? दूसरी बच्ची तुम्हारे जैसी है? हाँ, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ ना। अब पता चला ये कौन है? ओह, हमारा बेटा और बहू है ना? हाँ, अच्छा। अच्छा, ये लड़का ऐसा आकड़ू क्यों है? वही है ना? पता नहीं, लव मैरिज भी हो सकती है। लव मैरिज? पिटेगी नहीं, मेरी पसंद के लड़के से ही शादी होगी इसकी। हम लोग 90 साल की उम्र में कैसे दिखेंगे वो भी है, अभी दिखाती हूँ। अगले 100 साल के बाद हमारी फैमिली में सब लोग हमारी तरह ही दिखेंगे। तब तो एक ही लाइसेंस से काम चल जाएगा, सारे लोग ऑटो रिक्शा चला सकते हैं ना। क्या हुआ? कब से तुम मुझे ही देखे जा रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें खाना पकाते देख मुझे शांति की याद आ गई। वो भी ऐसे ही खाना बनाती थी, पता है? उस समय हम लोग बहुत हल्ला करते थे, वो बहुत बकबक करती थी, पर तुम कभी उससे बात नहीं कर पाई। नहीं तो मैंने एक बार की थी। बात की थी? कब? पता है, एक बार तुम्हारे घर MTV की माया ने फोन किया था। हाँ, माया ने। वो MTV माया कोई और नहीं, मैं ही थी। तो वो तुम थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे घर फोन करके हमें बेवकूफ बनाती हो? अच्छा, और तुम उस दिन रेस्टोरेंट में प्लान करके उस ओनर से ही पैसे छीनकर उसे वापस नहीं दिए थे? ओ, ये भी पता चल गया। ए, कच्चे चावल खाओगी तो शादी के दिन बारिश होती है, ऐसा कहते हैं। बारिश की चिंता नहीं है, बस शादी हो जाए। अरे टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। एक मिनट, आज तुम्हें काफी दिनों बाद खुश देख रहा हूँ। थैंक्स। नहीं, मुझे थैंक्स कहना चाहिए। थैंक्स तुम्हें कहना चाहिए? क्यों? कल तुम्हारे भाई को कोर्ट में देखा था, उन्हें देखकर मैं डर गई थी। अगर मान लो जैसे उन्होंने कहा वैसे ही मुझे मार डाला, तो आज का दिन तुम्हारे साथ ही रही थी, ये सोचकर खुशी से मर जाऊंगी। इसीलिए मैं यहाँ आई थी। माँ। हाँ, मेरी टेलीफोन डायरी कहाँ रखी है? चित्रा के कमरे में होगी, देख। बाहर निकल। ए दीना, मैं कहता हूं बाहर निकल। ए, हाँ? क्या हुआ इसको? देखो, जो भी कहना है हम अंदर आकर बात कर सकते हैं, इस तरह बाहर मत चिल्लाओ। क्या शरीफों की तरह बात कर रहा है? मैंने तेरी बहन से प्यार किया था तो तूने मुझे मारा था, अब तू मेरी बहन से प्यार करता, अब बोल। तो इसे तुम दोनों की मोहब्बत का पता चल गया है। तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये यहाँ क्यों आया है? मैं तुम्हें बताता हूँ, इसकी बहन की मौत का जिम्मेदार ये मुझे समझता है, और बदले में ये मेरी बहन को मारने आया है। पैसे लेकर लोगों को मारते पीटते हो, अरे प्यार के बारे में तुम क्या जानो? जिस तरह तुमने मुझे मारा, शायद उस तरह मैं तुम्हें कभी भी ना मार पाऊं, लेकिन अपने जीते जी तेरी परछाई भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। हे दीना, अपनी बहन की वजह से तुम ये सब झेल रहे हो, ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ये सब उसके लिए झेल रहे हो जो तुम्हें समझ नहीं पा रहा है। अब पाँव में दर्द तो नहीं ना? नहीं डॉक्टर, मैं तो पहले बोला था उसको टपका दो, लेकिन मेरी सुनता कौन है यार? कहते हो क्यों, क्या हुआ? नारायण, मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, बोल। अशोक अपने परिवार के साथ सूर्य हॉस्पिटल में आया है, पास में दीना भी नहीं है। अच्छी तरह देखा ना? हाँ देख लिया, दीना नहीं है। ठीक है तू वहीं पर रुक, मैं लड़कों को लेकर अभी आता हूँ। नारायण भाई को बोलूँ क्या? वो कुछ नहीं बोलेंगे, काम खत्म होने के बाद उन्हें बताएंगे तो खुश हो जाएंगे। आज उसके परिवार में कोई ना कोई तो मरेगा। ठीक है जल्दी आ। तुझे देने के लिए चित्रा ने ये लेटर उस चुटकी के हाथों भिजवाया था। आते समय गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए देर हो गई। प्यारे दीना, भैया की मेडिकल चेकअप के लिए सूर्य हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम भी वहीं पहुंचो। ये चिट्ठी कब दी थी? 1 घंटा हो गया होगा। 1 घंटे से तूने ये चिट्ठी अपने पास रखी है? अरे यार पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। इसे पकड़। कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर साहब, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ हम हैं ना तुम्हारे साथ, उन्हें कुछ नहीं होने वाला है। वो बेकसूर है, बेकसूर है वो। शांत हो जा, तू शांत हो जा दीना। देख तू बोल मत अभी दीना, तू बोल मत दीना, तू वो बेकसूर है। देख देख उन्हें कुछ नहीं करना। देख 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 उनको, देख वो वहाँ खड़े हैं, वो देख चित्रा है वहाँ। देखो चित्रा, चित्रा है। मैं राजी नहीं होने वाला। चित्रा इन बातों को नहीं समझ पाएगी मालूम है, लेकिन आप लोगों को तो सोचना चाहिए। मेरी बहन को मरे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। इस वक्त मैं अपनी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। हम लोगों ने सोच समझकर फैसला लिया है। अगर तुम चित्रा के साथ शादी करके उसके साथ रहोगे तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। ये क्या कह रहे हो? किसकी जान कब जाएगी कुछ पता नहीं, किस समय क्या हो जाएगा मालूम ही नहीं। क्या अभी शादी जरूरी है? देखिए, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। किसकी जान कब जाएगी ये किसे पता है, कम से कम शादी तो हो जाए। तुम्हारी बहन की शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी हो जाए। प्लीज दीना, इतना तो कर दो मेरे लिए तुम। अगर इस शादी से तुम खुश हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। थैंक यू दीना, जो जिंदगी तुम देना चाहते हो मैं भी वही चाहती हूँ। दीना, सुना है तेरे भैया को बेल मिल गई है। बार बार कहती थी ना, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। जानती हो वो बेटा क्या करने जा रहा है? तुम्हारी बेटी की मौत का जो जिम्मेदार है उसकी बहन से शादी करके घर बसाने जा रहा है। नहीं छोड़ूंगा, शादी से पहले उसके सारे परिवार को मार डालूंगा। हाँ, ए, मैं जमानत पर बाहर आया हूं। अगर इस बार वो बच गए तो मैं दोबारा बाहर नहीं आ पाऊंगा। एक ही बार में वो सारे लोग मर जाने चाहिए। शहर के सारे गुंडे बदमाशों को यहां बुलाओ। मेरी बातें तुम लोगों की समझ में आ गई होंगी। यहां रहने वाले बाकी परिवारों की तरह मैं भी शांति से रहना चाहता हूं, इसलिए मैं अभी भी शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चित्रा के लिए मान गया। इस शादी की बात हम लोगों के अलावा और कोई ना जान पाए। ठीक है, तो रजिस्ट्रार को यही बुलवा लेते हैं। हा? हा? क्या हुआ? तेरे भाई को इस शादी के बारे में पता चल गया है। शहर के सारे गुंडे कल आने वाले हैं तुम्हें मारने के लिए। दीना, रहने दो यार, ये शादी रोक देते हैं। तू चुप रहेगा? क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, कितनी मुश्किल से तो उस लड़की ने इसे शादी करने के लिए हाँ किया है और तुम कह रहे हो ये शादी रोक दें? इसका कहना भी ठीक ही है। इस समय अगर मैंने शादी की तो भैया और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। अगर तुम्हारी शादी रोक दी तो तुम्हारा भाई शांत हो जाएगा क्या? तुम्हें विश्वास है कि वो कुछ नहीं करेगा? हाँ, तो ठीक है, शादी रोक दो। मुझे अपनी जिंदगी का कोई डर नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ ना हो जाए इसलिए। दीना, फ्रेंडशिप का मतलब दो बियर मारकर लड़कियों के बारे में बात करने से नहीं है। अगर एक दोस्त की आंख से आंसू निकले तो दूसरा उसके लिए खून बहा दे, वही सच्चा दोस्त है। अब पता नहीं तू मुझे दोस्त मानता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे दोस्त मानता हूं। कल ये शादी होनी ही चाहिए दोस्त। ए, हमारी तरह पढ़े लिखे शहर में ऑटो चलाने वाले पूरे 150 स्टूडेंट्स हैं, उन सबको यहां बुला लाओ। देखते हैं हमसे गुजर कर वो ये शादी कैसे रोक पाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मिलकर बात करते हैं। वो बाहर मणिशंकर बैठा होगा, उसे अंदर भेज। जी। केशव, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ, टाइम आ गया था इसलिए मैं आया हूँ। सब कुछ जानता हूँ मैं। मेरे शरीर में 2 हाथ थे, अब एक रह गया है। काटने के लिए तुमने कहा था, लेकिन मेरे हाथ को काटा दीना ने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे शादी से पहले मरना होगा। अभी तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास आदमी काफी नहीं है, उससे ज्यादा लोग तो मेरी पार्टी में हैं, उन्हें साथ रख लो। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, दीना सिर्फ हाथ काटता था, आदि शंकर गला काट डालता है। इस मामले से तुम दूर ही रहो, ये हम दोनों का आपस का मामला है। मैं तो ये कह रहा था। हाथ के बिना जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन गर्दन के बिना नहीं। जा। क्या नेताजी, हमने क्या सोचा था, लेकिन कुछ और हो गया। गाड़ी से आ रहे हमारे सारे पार्टी वालों को वापस भेजना पड़ेगा। जितने भी आदमी हमारे पास हैं उनमें से आधे लोगों को ऑटो वालों का ड्रेस देकर वहां भेज दो और बाकी लोगों को हथियार देकर गुंडे बनाकर उधर भेज दो। जो चोट उसे लगे वो उसे कहां मारनी चाहिए मैं जानता हूँ। जैसे कि हमें खबर मिली है कि कल शहर में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, इस बात की खबर इस एरिया के कमिश्नर को देकर पूरे एरिया में धारा 144 लगाने की अपील कर दो और इस झगड़े से जुड़े सारे लोगों को अरेस्ट कर लेंगे। लगता है किसी सीरियस मैटर पर आप लोगों में बहस हो रही है। हाँ सर, कल इस एरिया में दंगा होने की खबर है। आदिकेशव और उसके आदमी। मैं सब जानता हूँ। दंगा रोकने की कोशिश करने वाले हो तुम लोग? बिल्कुल सर। मत करो, उनको रोकने की कोशिश मत करो। गुंडागर्दी बढ़ गई है, चोरी चकारी भी बढ़ती जा रही है। वो लोग एसी रूम में बैठकर हमको ऑर्डर देते रहते हैं। स्पॉट पर मरता कौन है? हम जैसे लोग। बॉन्ड करने के लिए जब तक तुम हवाई फायर करोगे उतने में वो लोग बियर बोतल से हमारी खोपड़ी तोड़ देंगे। तुम लोग सुनो, अगर गुंडागर्दी खत्म करनी है तो उन गुंडों को आपस में लड़ाकर हमें सिर्फ तमाशा देखना है। याद रखो कि कल के होने वाले दंगे में शहर के बड़े बड़े गुंडों की मौत होने वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल दंगा जरूर होना चाहिए, वो भी पूरी तरह से। कल शहर में होने वाले इस दंगे में हमारा कोई भी खाकी वर्दी वाला नजर नहीं आना चाहिए। अरे भाई, मैंने मुझसे बिना पूछे तुम लोग कुछ मत करना। हाँ, क्या हुआ बाला, क्या हालत है अभी? डरने वाली कोई बात नहीं है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं होगा। हमारी भीड़ को देखकर वो लोग भाग जाएंगे, उनके पास तो पैसों से लाई हुई भीड़ है। ऐसा समझकर हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, शादी होने तक हमें चौकन्ना रहना होगा। वो लड़की अपने ही फ्लैट में है ना? वो लड़की मैं जानता हूँ, उस लड़की को शादी से पहले सबसे छुपा कर ई ब्लॉक के 60 नंबर में रखा है। किसी को पता न चले इसलिए तो उसे ई ब्लॉक में छुपाया था। अब तू चिल्ला रहा है क्या? सॉरी, चल रहने दे, यहाँ सब अपने आदमी है। सुनिए जरा, दरवाजा खोलेंगे? आती हूँ। जन्म कुंडली टेबल के ऊपर रखी है, दीना ने लाने को कहा है। आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? दीना ने बताया था। ओह, यही रुकना। कौन हो तुम लोग? सर, हम शांति के क्लासमेट्स हैं। अशोक ने शांति को अगवा नहीं किया, वो दोनों प्यार करते थे, दोनों शादी करने जा रहे थे। तुमसे ऐसा दीना ने कहा था कहने के लिए? आप विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए ये फोटोज लेकर आई हूँ। कॉलेज टूर पर गए थे तब खींची थी। मुझे तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच है सर। जब आप जेल में थे तब आपसे कहने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन आपने हमें अवॉइड कर दिया। गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मेरा भाई, उस पर मैंने शक किया। हे भगवान। मेरी बहन की शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन मेरे भाई की शादी मैं जरूर करवाऊंगा। हाँ चलो। हाँ, चलिए। भाई, मिनिस्टर के लोग घुस आए हैं। किस फ्लैट में रहते हो? सी ब्लॉक में, नया आया हूँ। दीना ये मिनिस्टर का आदमी है, इसे छोड़ना मत। हमारे लिए बाहर इतने सारे लोग परेशान खड़े हैं, लेकिन फिर भी एक खंजर लेकर अंदर घुस आया। हाँ, चित्रा घर में अकेली होगी। चलो चलकर देख लेते हैं। चलो। हाँ। चित्रा। हाँ। चित्रा। दीना। दीना, तुम्हारे भैया को सब पता चल गया है। तुम्हारी बहन की सहेलियों ने सब बता दिया है। क्या कहा? मेरे भैया को मुझ पर विश्वास आ जाएगा। मेरे लिए इतना काफी है। अब तो मैं किसी को भी संभाल लूंगा। भैया कहाँ हैं? बाहर लफड़ा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ए, तुम लोग यहीं रुको, किसी को अंदर मत जाने देना। पहले ये झगड़ा रोकते हैं। हम दोनों के बीच के झगड़े में कितने लोगों का फायदा होता है। देखो दीना, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। दीना, 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 क्या हुआ? चित्रा को क्या हुआ? चित्रा को क्या हुआ? चित्रा को खंजर मार दिया। किसने? किसने? क्या आदमी ने। अब कहाँ है? सूर्य हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सारी मुसीबतों की जड़ यही है भाई। मुझे मार दो। जिसने चाकू उठाया उसका भी चाकू से होता है, लेकिन चित्रा ने क्या गलती की थी? हमारी बहन ने क्या गलती की थी? हमारे चाकू उठाने की वजह से हमारे परिवार के लोग मर रहे हैं भैया। अगर अभी इसे मारा तो कल इसकी जगह पर दीना या आदिकेशव होगा। क्या आप ये चाहते हो भैया? नहीं ना, माफी ही इसका अंत है भैया। दीना अंकल, चित्रा दीदी को होश आ गया। चित्रा, चित्रा, कैसी हो? देखो भैया साथ आए हैं। अंदर आइए ना भैया, आइए ना, आइए ना। ये देखो चित्रा, भैया आए हैं। एक बात तुझे आज कह देता हूं, तू मुझे छोड़कर अब कभी नहीं जाएगा।